का? बस खास इसके लिए ही आए हैं यहाँ पर। अब सुबह लगे हुए लाइन से, आधा घंटा हो गया लाइन से लगे हुए, बिरयानी खाने आए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जुमा बिरयानी पे। और जुमा बिरयानी जो है वो आपको पता है कि ये बैम्बिनो सिनेमा जो है इसके साथ सिर्फ जुमे के दिन मिलती है और जुमे की नमाज़ के बाद। कमाल का रश होता है, बहुत ही जायकेदार बिरयानी है। और इसकी ख़ास बात यही है कि ये जुमे को ही मिलती है और जुमे की नमाज़ के बाद मिलती है, तो नाम इसका जो है जुमा बिरयानी पड़ा इसी वजह से। तो आइए हम चेक करते हैं जुमा बिरयानी, फिर आपको बताते हैं। भाई अभी तो मुझे कोई चांस नज़र नहीं आ रहा कि बिरयानी मिलने का, ठीक ठाक रश है। अभी हमने मुसफ़ा भाई से रिक्वेस्ट किए कि भाई कोई अपना सिस्टम थोड़ा सा तोड़ के हमें बिरयानी वगैरह दे दें ताकि हम अपना रिव्यू कर सकें। व्यूअर्स, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जुमा बिरयानी पे, और जुमा बिरयानी के जो ऑनर हैं मुसफ़ा साहब, ये माशाल्लाह लगे हैं मुस्तकिल बिरयानी निकालने में, वक्त इनके पास बहुत कम है। तो हम थोड़ी सी इनसे बातचीत भी करते हैं, ये अपना काम भी करते रहेंगे। मुस्तफ़ा भाई माशाल्लाह बड़ा रश लगाया हुआ आपने, अल्लाह ताला ने बड़ी बरकत दी है, थोड़ा सा बताएंगे आप अपने जो सेटअप है उसके बारे में। ये सिर्फ बिरयानी सिर्फ जुम्मे वाले दिन लगती है, और जुम्मे वाले दिन ही जो है ना ये हम यहाँ पर लगाते हैं पिछले 5 सालों से, ठीक है। और एक दिन लगाने का हमारा मकसद ये है कि क्राउड को एक साथ लेकर आना। बहुत ज़बरदस्त एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है जो मुस्तफ़ा भाई ने जो है अपनाई है यहाँ पर, और मैं देख सकता हूँ और आप भी देख सकते हैं कि ठीक ठाक रश है। और यहाँ पर बिरयानी लेना बहुत ही मुश्किल है, लाइन में लगकर आना और फिर टोकन लेना, टोकन लगने के बाद जो है फिर दोबारा से बिरयानी लेना, ये बहुत ही मुश्किल काम है। तो हम कोशिश करेंगे कि हमें भी बिरयानी मिल जाए, और फिर बिरयानी लेने के बाद हम खाते हैं उसका, फिर रिव्यू देते हैं। भाई जान, ये कोई लगता है स्टूडेंट भी आए हुए हैं कुछ ज़रा, मैं फूड एक्सप्लोरर से हूँ, तो आप बताएं ज़रा आप कहाँ से तशरीफ लाएँ, क्या नाम है? भादराबाद से हैं, अब्दुलरहमान। अब्दुलरहमान भाई भादराबाद से आए जी जी, तो खास सुनकर आए बिरयानी का? बस खास इसके लिए ही आए हैं यहाँ पर। अब सुबह लगे हुए लाइन से, आधा घंटा हो गया लाइन से लगे हुए, बिरयानी खाने आए हुए। कराची वाले जो हैं बस जिस चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं उसको बस ऊपर तक पहुँचा के छोड़ देते हैं, और ऊपर ले जाके फिर छोड़ देते हैं, बस छोड़ देते हैं। चले अभी नहीं छोड़ेंगे भाई जुमा बिरयानी को, अभी अभी पकड़ के रखेंगे। अच्छा जी, ये बिरयानी हमें मिल गई है बहुत ही मुश्किलों से, और आपने जैसा कि देखा कि बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी, और फिर ज़ाहिर है बड़ी मुश्किल से ये बिरयानी हमें मिली है। तो यहाँ पर कोई बैठने का सिस्टम नहीं है, जिसने भी खाना है खड़े होकर खाए, जहाँ जगह मिलती है बैठ जाए, कोई कुर्सी पे बैठा हुआ है, कोई जो है अपनी मोटरसाइकिल के ऊपर बैठा हुआ है, कोई फुटपाथ पे बैठा हुआ है, मुख्तलिफ तरीक़ों से लोग बैठ कर यहाँ पर खा रहे हैं। तो हम भी जा रहे हैं खड़े होकर खा रहे हैं, तो ये मैं आपको चक्कर बताता हूँ कि कैसी ज़बरदस्त बिरयानी है। ये बीफ बिरयानी है और बहुत ही गर्म गर्म हिसाब किताब है, हाथ भी मेरे तो है वो थोड़ा सा जल रहे हैं, बहुत गर्म है ये बिरयानी। तो मैं ये आपको अभी चेक कराता हूँ, ये बीफ है और ये चावल ज़बरदस्त किस्म के इन्होंने इस्तेमाल किए हैं, और ये मैं चेक करता हूँ, बताता हूँ। हाँ ज़बरदस्त भाई, वाकई में मुस्तफ़ा भाई के पास जो इतना रश है वो डिज़र्व करते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त है इससे बिरयानी का, और नो डाउट यहाँ जो रश लगा है उसकी उसके पीछे यही दो वजूहत हैं, एक तो ये जुमे के दिन मिलती है और इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त है, बहुत शानदार। सचिन व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी,
मुस्तफ़ा बिरयानी जो है, मैं आपको इसका एड्रेस भी बता देता हूँ कि ये रीगल चौक से अगर उस तरफ से आते हैं तो जो मोबाइल मार्केट है, मोबाइल मार्केट के पास एक सैनमा है, बैम्बिनो सैनमा। तो बैम्बिनो सैनमा के बिल्डिंग में ही समझ लें नीचे इसने काउंटर बनाया हुआ है और पूरी रोड पे इसने सेटअप पूरा इसका लगा हुआ है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।